दे बार्डर ते चल रहे किसानी आंदोलन नू 9 महीने पूरे हो गए ने, पर किसाना दे हौसले पूरी तरह बुलंद ने ते सरकार भी अपने फैसले ते अड़ी हुई है। 9 महीने पूरे होने ते किसान आगू राकेश टकैत सरकार दे खिलाफ दहाड़दे हुए नजर आए। टकैत ने कहा कि सरकार दे इरादे खतरनाक ने, मोदी सरकार ने पूरे देश नू ही विकाऊ कर दिता है, इस करके सानू सब नू इकट्ठा होना चाहिए है। अते हुण गल सिर्फ खेती कानूना तक दी नहीं रही, पूरे देश दे वेचन तक पहुंच गई है। आज बेहद खुशी का दिन भी है, दुख का दिन भी है। दुख ये है कि 9 महीने से किसान आंदोलनरत है, और खुशी है कि आज एक कन्वेंसिंग हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, और उसमें बहुत किसान संगठन के लीडर्स यहाँ पे हैं, वे आए हुए हैं, अपनी बातचीत रखेंगे, बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि आंदोलन को 9 महीने पूरे आज हो चुके हैं, तो अलग अलग विचारधाराएं मिलेगी यहाँ पे, और वो हमको सबको सुनना है, आगे की रणनीति हमको बनानी है। और क्योंकि 9 महीने आंदोलन को हुए और सभी आज किसान संगठन यहाँ पे हैं, और ये 2 दिन की कन्वेंसिंग चलेगी, इसमें से एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा, उसमें क्या क्या तैयार होता है उस पर हम अपना काम करेंगे। और 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर की है, जो संयुक्त मोर्चे की पहली पब्लिक मीटिंग होगी, वो मुजफ्फरनगर में होगी, GIC ग्राउंड में है, तो आप लोग उसमें भी सब आमंत्रित हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें आएंगे, आगे की रणनीति उसमें बनाएंगे, पंजाब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मिशन उसमें तैयारी हम करेंगे। तो ये सारे इशू हैं। अभी कर्नाटक तमिलनाडु में हम गए थे, 4 दिन वहाँ पर रहे, तो पूरा देश इस आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ है। वहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है कि अलग अलग संगठन हैं, उन संगठनों को भी साउथ के अंदर हम जोड़ रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, और इसी तरह के आंदोलन वहाँ पे भी चलेंगे, तो पूरे उसमें बिहार हो या अलग अलग दूसरे स्टेट हो, तो वहाँ पे मूवमेंट चल रहे हैं, सब पूरा देश इस आंदोलन के साथ में खड़ा है। जिस तरह से ज़मीनें बेची जा रही हैं, जिस तरह से किसानी को बेचा जा रहा है, जिस तरह से रेलवे स्टेडियम पूरा देश बिक्री पर लगा दिया गया है, तो ये तो उम्मीद नहीं थी कि पूरा देश बिकेगा। देश के नौजवान कहाँ खेल लेंगे, वो स्टेडियम जो बनाए आम जनता ने बनाए वो सब बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेडियम सब बड़ी बड़ी एजेंसियां सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है। तो देश बचाना है तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब कानून से अलग भी देश बचाने की लड़ाई है, हमको देश बचाना है। यूथ जो मोबाइल पे और नेट पे लगा हुआ है, उसको उससे हटके ये देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है देश में, तो बहुत खतरनाक पॉलिसी देश में आ रही है। हमको देश बचाना है तो यूथ को खड़ा होना पड़ेगा, यूथ के हाथों पे ही इस देश की बागडोर रहेगी। तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, ढासा बॉर्डर से, पलवल सब जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और ये सिंघू बॉर्डर पे कन्वेंसिंग जो चली हुई है, 2 दिन हम इसमें सब में रहेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा।